अरे भाई मत रे फोटो बीटो। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि कैमरामैन जल्दी फोकस करो, ये वाला जो रील है इंस्टा पर काफी ज्यादा वायरल हुआ है। पर अभी के टाइम पे गाइस आप मेरे वीडियो के स्टार्टिंग में जिस वीडियो को देखा वहाँ पर एमसी स्टैंड का एक नया लाइन यहाँ पर ऐड किया गया है जो वीडियो काफी ज्यादा अभी वायरल हो रहा है। साथ ही में जो एंडिंग में आप फोटो देखे उस फोटो में आपको फोटो पूरा यहाँ पे स्मूथ तरीके से घूमता हुआ दिखाई दिया। तो साथ में आप भी अगर इस टाइम पे इस टॉपिक पर वीडियो बना के आप अगर इंस्टाग्राम रील के लिए इस प्रकार का वीडियो बनाओगे तो आपका जो वीडियो है वो वाला वीडियो वायरल हो सकता है। तो साथियों आज के इस वाले वीडियो में आपको इसी रील को क्रिएट करना सिखाने वाला हूँ अभी चुटकी में ही। तो दोस्तों आपने अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक की वजह से आपके भाई में जो वीडियो बनाकर एनर्जी है ना वो भर भर के आता है। बाकी साथियों चलिए मोबाइल की स्क्रीन को लेके चलता हूँ, देन आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ कैसे आपको वीडियो को एडिट करना है। दोस्तों इस तरह के वीडियो को एडिट करने के लिए सबसे पहले आपके फोन में जो भी VPN ऐप इंस्टॉल है उस वाली VPN ऐप को आपको यहाँ पर ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद साथियों आपको यहाँ पे जो VPN ऐप है आप यहाँ पर कनेक्ट कर लीजिएगा। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने यहाँ पे सिक्योर VPN कनेक्ट कर लिया है। अब साथियों आपको यहाँ पे एडिटिंग के लिए कैपकट ऐप को ओपन करना होगा। अगर आपके फ़ोन में कैपकट ऐप पहले से इंस्टॉल है तो बहुत अच्छी बात है, वरना मैं जो कैपकट यूज कर रहा हूँ इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आपको यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना होगा जहाँ पर आपको इस वाले वीडियो का लिंक मिलेगा। आप मेरे डिस्क्रिप्शन से इस वाले वीडियो को यहाँ पर आप लोड करके ऐड कर लीजिएगा। वीडियो ऐड करने के बाद साथियों अब आपको यहाँ पे वीडियो को प्ले करना होगा और वीडियो में जहाँ पर सीन चेंज होता है उस जगह पर जाना। यानी दोस्तों अभी आप यहाँ पर कुछ इस प्रकार से जस्ट इतना पार्ट में आपको यहाँ पर चले आना होगा, मतलब जहाँ से आपको टेक्स्ट दिखता है जस्ट इस जगह पे आके आपको फाइल पे क्लिक करके यहाँ पर आपको स्प्लिट करना होगा। अब इस साइड के पार्ट का कुछ काम है नहीं सो इसको आपको एडिट करके यहाँ पर हटा देना है। अब साथियों इस वाले प्लस के आइकॉन पे यहाँ पे क्लिक करना होगा। फोटोज वाले ऑप्शन पे आप यहाँ पे जाइएगा। जाने के बाद साथियों अभी आपका यहाँ पे गैलरी दिखेगा और आप अपनी गैलरी से जो भी फोटो का आप यहाँ पे रखना चाहते हो उस वाली फोटो को सेट करके आपको यहाँ पर ऐड कर लेना होगा। जैसा कि साथियों आप यहाँ पे देख सकते हो मेरा जो फोटो है मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया है। अब साथियों फोटो पे क्लिक करना होगा। यहाँ पर दोस्तों आपको स्टाइल वाला का ऑप्शन दिखेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं कुछ इस प्रकार के स्टाइल आपके सामने यहाँ पर आएंगे। अब साथियों आपको यहाँ पे कुछ इस टाइप से आपको इस जगह पे जाना होगा। जाने के बाद साथियों इस टाइप से अभी आप इसको स्लाइड कीजिएगा। यहाँ पर आप अगर देखो तो आपको कैमरा सेक लिखा हुआ दिख रहा है, आपको साथियों इस पर क्लिक करना है। जब साथियों आप यहाँ पर क्लिक करें कुछ इस प्रकार से ये 100% होने में ये थोड़ा सा ये टाइम लगेगा। सो आपको यहाँ पे थोड़ा सा आपको यहाँ पर इंतज़ार करना पड़ेगा। तो देख सकते हो कुछ टाइम वेट करने के बाद कुछ इस प्रकार से मेरा जो फोटो है यहाँ पर रेडी हो चुका है। अब साथियों आपको यहाँ पे ऑडियो पे क्लिक करना होगा। नीचे में आप यहाँ पे अगर देखोगे तो आपको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट ऑडियो का ऑप्शन दिखेगा, आपको इस पर क्लिक करके ऑडियो को यहाँ पर अलग करना है। देन आपको यहाँ पर कुछ इस तरह का लेंथ को बढ़ा के आपका जितना फोटो का लेंथ होगा उतना ही आप यहाँ पर कर दीजिएगा। अब साथियों अगर मैं अपने वीडियो को शुरू से आपके लिए प्ले करके दिखाऊं तो मेरा वीडियो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, आप यहां पे देख सकते हो। तो दोस्तों इस तरह से आप बहुत ही आसान सिस्टम को फॉलो करके आप इस प्रकार का वीडियो एडिट कर सकते हैं। बाकी वीडियो को सेव करने के लिए 1080 वाले ऑप्शन में जाके जो फ्रेम रेट है इसको 60 कीजिएगा और इसको रिकमेंड में रहने के बाद आप सेव पर क्लिक करके अपना वीडियो को आप यहाँ पर सेव कर लीजिएगा। तो दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ बिना बोर हुए वीडियो को अभी तक देख रहे हो। अगर वीडियो को विदाउट स्किप करके देखे हो तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा और फर्स्ट टाइम अगर मेरे चैनल पर विजिट किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं अगले किसी एडिटिंग वाले वीडियो के ट्यूटोरियल के साथ। बाय बाय टाटा नमस्कार।